हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना काल में पहली बार गुरु नगर आए वैभव गहलोत, भारत चीन सीमा पर शहीद हुए सैनिकों की शहादत को किया नमन। मुख्यमंत्री के पुत्र और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत कोरोना काल में पहली बार शुक्रवार को अपने गुरु नगर जोधपुर आए। यहां उन्होंने सुबह शहीद स्मारक पर भारत चीन सीमा पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों की शहादत को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वहां कई कांग्रेसी नेता और पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज प्रदेश व्यापी शहीद सम्मान कार्यक्रम रखा गया था। जोधपुर में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोधपुर में गौरव पथ स्थित शहीद स्मारक पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने भाग लिया। उनके साथ ही शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सईद अंसारी, पूर्व जेडीए अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी सहित कई कांग्रेसी नेता व पदाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने शहीद स्मारक पर कैंडल जलाए और भारत चीन सीमा पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों की शहादत को नमन किया। भारतीय सेना कभी पीछे नहीं हटी। इस दौरान वैभव गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय सेना ने हमेशा दुश्मनों से लोहा लिया है, वो चाहे पाकिस्तान से युद्ध हो अथवा चीन से। भारतीय सेना कभी भी पीछे नहीं हटी और उसने हमेशा डटकर दुश्मन सेना से मुकाबला किया है। इसमें कई भारतीय सैनिक भी शहीद हुए हैं। हर भारतीय को इन सैनिकों की शहादत पर नाज है। कांग्रेस भी इन शहीदों की आज नमन कर रही है। वो दुख की इस घड़ी में हर शहीद के परिजन के साथ है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए हैं जो चीन के साथ मुठभेड़ हुई। मेरी ओर से तमाम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, तमाम सभी लोगों की ओर से, सबसे पहले तो उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देता हूं मेरी ओर से, और इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ खड़े हैं, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, चाहे पहले भी जब जब युद्ध रहे, चाहे पाकिस्तान से रहा हो, चाहे चीन के साथ रहा हो, हमारी भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों ने हमेशा दुश्मन के साथ लोहा लिया है और वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार भी हमारे 20 जवान जो कुछ दिन पूर्व मुठभेड़ हुई उसमें शहीद हुए, और क्योंकि ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश था कि तमाम जिला कांग्रेस कमेटियाँ जिला मुख्यालयों पर ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेंगी, मोमबत्ती जलाएंगे और उन सभी जवानों को हम अपनी तरफ से याद करते हैं, नमन करते हैं। 62 का युद्ध हो या 65 का हो या 71 का युद्ध हो या उसके बाद भी, जब जब भी सीमाओं पर पाकिस्तान के साथ हो या चाइना के साथ, हमारे जांबाज सैनिकों ने कभी भी पीछे नहीं हटे और देश का नाम हमेशा उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए, देश का नाम हमेशा और तिरंगे झंडे को हमेशा बुलंद रखा है। तो सभी जवानों को हम आज जो भी शहीद हुए हैं कि चाइना की इस मुठभेड़ में, उनको हम सभी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जैसा कि आपको पता है कि अभी चाइना ने जो हमारे देश पे जो आक्रमण किया और जो कब्जा करने की कोशिश की, उसके अंदर हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और भारत के वीर जवान हमेशा, चाहे 65 का वार हो, चाहे 71 का वार हो, चाहे भी हो, बिल्कुल डटे हुए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि पूरे भारत के अंदर आज उनको श्रद्धांजलि का शहीद दिवस मनाया गया, उसी के अंतर्गत जोधपुर मनाया गया। मैं आभारी हूँ बहुत बहुत हमारे अखिल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई वैभव जी का कि आज हमारे बीच में आप पधारे। इस मौके पे मैं आपका भी इसके पे शुक्रिया अदा करता हूँ। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से खास रिपोर्ट।